बच्चे बहुत क्यूट है, दोनों बहुत क्यूट है, बहुत शरारती है, तो यही चीज़ उनकी बहुत अच्छी है, बस इसी में मजा है। कश्मीर में जो स्नोफॉल में हमने शूट किया था एक बारी, और शॉट मुझे देना पड़ा चूँकि लाइट जा रही थी और वी हैड टू फिनिश, उस दिन का शेड्यूल था, हैवी स्नोफॉल था, हम लोग कांप रहे थे, सोच सकते धोती थी और ये सब था, और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में शूट करना पड़ा, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी हम दोनों की इनफैक्ट वो बहुत बुरी थी, तो वो ये चीज़ अब भूलूंगा नहीं, और ऐसे कई यादगार पल रहे हैं। यादगार ओवरऑल एक्सपीरियंस आई थिंक पर्टिकुलर तो कुछ अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, बट वही क्योंकि जहाँ पे हम जाते थे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम लोग वहाँ पे थे, ऑलमोस्ट वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, तो वो हम डेढ़ घंटा पहाड़ियों में चढ़ के जाते थे, फिर शूट करना उस बर्फ़ में, एक एक दिन एक एक टाइप का टेम्परेचर, एक दिन स्नोफॉल हो रहा है, एक दिन बहुत ब्लिजर्ड आ रहा है, एकदम स्टॉर्म हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो फॉग आ गया है, कभी कभी इतना फॉग आ जाता था कि जैसे हम लोग इतना खड़े हैं एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, सो ऑल दीज वर इट्स अ वेरी मिक्स्ड एक्सपीरियंस, बट नाइस एडवेंचर भी था थोड़ा बहुत उसमें। शो देखिए, पसंद कीजिए हमें, और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आए और ये शो सक्सेसफुल हो, लंबा चले, और दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम है विशेष बंसल और मैं सूर्यपुत्र कर्ण का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो इस सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में कितनी जानकारी, क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ सीखा? सीखा यही कि कर्ण अपना घर बार छोड़ के दूसरे गांव में आ जाता है, फिर जो मेरे पिताश्री बने हैं पहले एक गांव छोड़ा फिर दूसरा गांव छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग गाँव छोड़ते रहते हैं। दिव्य कर्ण बहुत ही दानी था, मैंने और क्या कहा था, दिव्यदानी, हाँ दानी था, उसने अपना दिव्य कवच दे दिया था अर्जुन को और अर्जुन ने अपना थंब काट दिया था, बस इतना। अच्छा, तो कुछ मतलब वहाँ कश्मीर में भी शूट किया, यहाँ भी शूट किया, ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया और क्या कितना अलग? ज़्यादा मज़ा तो दोनों में ही आया, पर टफ शूटिंग था कश्मीर में क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था खाने का, वहाँ का रहने का, बट ठीक है, मज़ा भी आया वहाँ पर बहुत, वहाँ के लोग थे तो हमने कश्मीरी लैंग्वेज भी सीखा था। तो आते हैं थोड़ी बहुत कश्मीरी लैंग्वेज, कुछ याद हो कश्मीरी? हाँ, चाय चाहिए तो, कॉफ़ी चाहिए तो। अच्छा, मतलब चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। तो यहाँ के लिए कुछ संस्कृत वगैरह कुछ सीखी ऐसे, तो कुछ बोल के संस्कृत बताओ? नहीं, हाँ, मतलब कुछ ऐसी नहीं। यहाँ अच्छा, हाँ मैं बहुत ही बड़ा धनुर्धारी बन सकता हूँ, इस ब्रह्मांड का सबसे, इस विश्व का सबसे बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाऊंगा बस। अच्छा, या इस कर्णपुत्र के लिए मतलब सीरियल के लिए क्या कुछ सीखा आपने, कुछ नया कुछ ऐसा सीखने लायक? हॉर्स राइडिंग, स्नोबोर्डिंग और स्टंट्स किए बहुत सारे, फिर हम लोगों ने मींस पहाड़ पे भी हम लोग चढ़े थे हार्नेस के साथ हम लोग ऊंचाई से कूदे थे, तो पूरा बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, सेट पे जो आपके माता पिता बने हैं उनसे कितनी बॉन्डिंग है, कितनी मस्ती करते हो? हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है, स्पेशली आनंद अंकल मेरा और मौली दीदी और शोम और तौशी, हम लोगों का पूरी फैमिली में जब सीन होता है तो फिर मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, कश्मीर में कुछ ऐसा वाक्या हुआ था जो अभी भी काफ़ी मेमोरेबल हो? मेमोरेबल, हाँ
वहाँ पर बारिश जब हुई थी, स्नोफॉल हुई थी, फर्स्ट टाइम मैंने स्नोफॉल देखी सूर्यपुत्र कर्ण शो की वजह से। और हमारे ताहिर अंकल बहुत ही अच्छे थे वहाँ पर, तो उन्होंने सब अरेंज कर रखा था, राइस सब कुछ। और ताहिर अंकल के साथ बहुत मज़ा भी आया था। पहले भी अपने कोई सीरियल में काम किया है और वो नॉर्मल सा था, अब ये कर्णपुत्र तो कितना चैलेंजिंग है कुछ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले माइथन नहीं किया, पर ये कुछ अलग ही है, हटके सा है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। काफी सारे हैवी हैवी हाँ ज्वेलरी ये नहीं, वो, वो मतलब ज्वेलरीज कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, तो सूत पुत्र हूँ क्या रहेगा। मेन ये जैकेट का बहुत प्रॉब्लम होता है। लास्टली टू योर जो देखेंगे कर्ण अपने फैंस को दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? कि सूर्यपुत्र कर्ण 8:30 मंडे टू थर्सडे प्लीज देखिए सोनी टेलीविजन एंटरटेनमेंट चैनल पर प्लीज। थैंक यू, और हाँ रिपीट भी देखना थैंक यू प्लीज। काइंड।